नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लिटरेचर इनसाइड में। और मेरा नाम है विजय, और आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना जा रहा हूँ। इस प्रकार के आपको एक्सपेरिमेंट बाकी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पर आज इस बार मैं कुछ मुझे भी कुछ चीज़ें पता करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 2.5 MUFD का कैपेसिटर है, जो कि हम ये कैपेसिटर हमें फ़ैन में लगा हुआ मिल सकता है। फ़ैन कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। 2.5 MUFD का 440 वाट का है ये। ठीक है दोस्तों, हमने इसको प्लग कर दिया है और इसमें फुल करंट आ चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कितने इसमें वोल्टेज निकलते हैं। मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं इसमें कितने वोल्टेज है। ये हमने मल्टीमीटर को AC में 750 वोल्ट में सेट कर लिया है मल्टीमीटर को। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इस प्लग में कैपेसिटर से जोड़ने के बाद इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। कैपेसिटर को हमने इस प्रकार से जोड़ रखा है, जिस प्रकार से ये रेजिस्टेंस बन जाता है, तो हम वही देखते हैं कि इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हो कि धीरे धीरे वोल्ट इसके डिक्रीज होते जा रहे हैं, पूरा डिक्रीज हो गए। ये वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट पे आ गया। दोस्तों ऐसा कैसे? बहुत से लोग तो इसमें से आपको बैटरी चार्ज करना बता देते हैं कि आप बल्ब जला सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले आगे चल के। ठीक है, हमने इसको मल्टीमीटर से निकाल लिया है, साइड में रखते हैं, और अब हम इसमें जोड़ेंगे बल्ब। तो उसके लिए मैंने पहले से बना के रखा है होल्डर, और उसमें आगे पिन जोड़ रखी थी। तो अब हम देखेंगे कि इसमें बल्ब जल पाता है कि नहीं जल पाता। और ऐसा हमने चेक करा था तो 5 वोल्ट ही आया था। अब हम इस प्रकार से चेक करते हैं तो उसमें कितने वोल्ट दिखाता है। पहले हम इसमें LED बल्ब लेंगे जो कि 3 वोल्ट का है। ये बढ़िया था कि बढ़िया तरीके से जल रहा है 3 वोल्ट का। और उसके बाद हम दूसरा बल्ब लेंगे जो कि 15 वोल्ट का है। ये भी LED बल्ब है, ये भी बढ़िया जल रहा है। ऐसे कुछ इसमें लाइट कम का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितने वोल्ट जनरेट कर रहा है। अभी हमने इसके पहले चेक करा था तो ये 5 वोल्ट तक आ गया था धीरे धीरे डिक्रीज होते होते। तो अब हम इसमें देखेंगे वापस को, हम AC पे सिलेक्ट कर रखेंगे मल्टीमीटर को हम। और उसके बाद में दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी फर्स्ट, करंट नहीं लगना चाहिए आपको। सेफ्टी गियर इतने भी है आप सब अप्लाई करके रखिए। तो दोस्तों इसमें वोल्ट दिखा रहा है 117 वोल्ट आपको दिख रहे हैं, मतलब ये 117 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 15 वोल्ट का बल्ब था तो 117 वोल्ट यहाँ से जा रहे हैं। अब हम इसमें 3 वोल्ट का बल्ब लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कितने वोल्ट दिखाता है ये। 3 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट का बल्ब लगाया हमने, LED बल्ब है, तो इसमें भी ये लगभग 117 वोल्ट ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर 117 वोल्ट यहाँ से आगे पहुँचा रहा है, बाकी के जो आधा हो गया सीधे, मतलब उसने कैपेसिटर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसने वोल्ट बिल्कुल आधे कर दिए। आगे से 235 के लगभग वोल्ट आ रहा है, पर इसने इसको स्प्लिट कर दिया और एकदम आधा कर दिया इसने, और 117 वोल्ट ही आगे जा रहे हैं। LED बल्ब को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं पड़ती, 117 वोल्ट में भी ये ग्लो हो जाता है। अब हम इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा हेवी बल्ब लगाते हैं। मेरे पास एक पुराने ज़माने वाला बल्ब रखा हुआ है जो कि 200 वोल्ट का है। अब हम ये बल्ब पे देखते हैं कि ये बल्ब जल पाता है या नहीं जल पाता है। हमने इसे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। और हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कितने वोल्ट निकाल रहा है ये। कैपेसिटर से कितने वोल्ट आ रहे हैं हमें इसे चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, हमने मल्टीमीटर को वापस उसी पोजीशन पे सेट करा हुआ है और इसको हम चेक करते हैं। और अब हम मल्टीमीटर में शो हो रहा है कि 12-13 वोल्ट के लगभग वोल्ट कैपेसिटर से होते हुए आ रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में मुझे भी पता करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि हमारा बल्ब, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि बल्ब हमारा ख़राब नहीं है, चालू है। तो इसके लिए मैं इसे डायरेक्ट प्लग करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस का काम करता है। खास सवाल तो ये था कि आप कैपेसिटर से आपकी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इसे DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास बैटरी है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की। इसे चार्ज कर सकते हैं क्या दोस्तों? मैं आपको चार्ज करके नहीं दिखाऊंगा, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने कैपेसिटर में लगा के रखा है, और उसमें हम चेक करेंगे कि ये कितना वोल्ट निकाला है। ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो कि मैं प्लग करने वाला हूँ हमारे कैपेसिटर के आगे सर्किट में, और फिर इसमें हम देखेंगे कि कितना वोल्ट इसमें से निकल के बाहर आ रहा है। और हमें लगेगा कि सही वोल्ट बाहर निकल के आ रहा है, 12 से लगा के 15 वोल्ट तक भी चल जाएगा, तो हम इसे बैटरी में कनेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ये चालू है। अब बस हमें इसमें देखना है कि कितना करंट आ रहा है बाहर। और हम मल्टीमीटर को DC पे सेट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा वोल्ट आएंगे, इसलिए मैंने पहले से मल्टीमीटर को मैं इसे
हाई वोल्ट पे, डीसी के हाई वोल्ट पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर में सेट हो चुका है और हम सावधानी से कि हमें करंट नहीं लगना चाहिए, हमें बड़े सावधानी से इसे चेक करना है कि हमने दोनों टर्मिनल मल्टीमीटर के ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट कर दिए और हमें 230 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 230 वोल्ट सही नहीं रहता है, तो दोस्तों हम इसलिए इससे चार्ज नहीं करेंगे। आपको ऐसा कोई से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको कैपेसिटर से बैटरी चार्ज करते हुए, दोस्तों आप समझ जाइए इस प्रकार से कोई बैटरी चार्ज नहीं कीजिए, दुर्घटना हो सकती है दोस्तों। इस प्रकार से कोई तरीका नहीं है चार्ज करने का बैटरी। ठीक है दोस्तों, हम इसको अभी अनप्लग कर देते हैं। तो दोस्तों आपको सावधानी से अनप्लग करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कैपेसिटर फुल चार्ज है, उसको पहले डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। दोनों को पिन को आपस में कनेक्ट करेंगे, इस साइड से भी कनेक्ट करेंगे, उसको पलटा के साइड से भी कनेक्ट करेंगे, एक स्पार्क की आवाज़ आएगी और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। आपको ऐसा इसको टच नहीं करना, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। दोस्तों इस वीडियो में को ये बताना था कि इस प्रकार से कैपेसिटर से आप बैटरी चार्ज ना करें और कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें, ये बड़ा ही खतरनाक है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप देख सकें, और ये सुरक्षित तरीका था कि मैं आपको दिखाऊं, आप इसे बिल्कुल घर पे ट्राई ना कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इस प्रकार से कोई एक्सपेरिमेंट के साथ या कुछ नई चीज़ बनाते हुए मिलूंगा मैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।